उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौ तस्करी को लेकर सख्त है, लेकिन योगी सरकार की सख्ती के बावजूद गौ तस्कर बेखौफ होकर तस्करी कर रहे हैं। गौ तस्कर सिस्टम से मिलकर धड़ल्ले से गौवंशों की तस्करी करते हैं, और अगर सिस्टम उनका तस्करी में विरोध करे तो गोली चलाने से भी नहीं डरते। ताजा मामला रामनगरी अयोध्या की सीमा से सटे गोंडा जिले के इलाके का है। शनिवार रात लगभग 2:30 बज रहे थे, नवाबगंज पुलिस गश्त पर थी और इसे एक अज्ञात वाहन दिखा। खबर थाने पहुंची तो थानेदार भी पुलिस की टुकड़ी लेकर मौके पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस ने अज्ञात वाहन को रुकवाया, गाड़ी में से पुलिस के ऊपर गोलियां चलने लगी। हमले के जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच गौ तस्करों की एक गोली तो थानेदार संतोष को जा लगी, लेकिन थानेदार ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने गौ तस्कर के पैर में गोली मार उसे घायल कर दिया और अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गौ तस्कर अयोध्या निवासी सलीम है, जिस पर पहले से ही 25,000 का इनाम घोषित है। आज दिनांक 10/4/2022 को जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस को रात्रि में गश्त के दौरान बड़ी सफलता मिली। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ रात्रि में गश्त पर थे। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश गौकशी के लिए गोमांस इकट्ठा कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस बदमाशों द्वारा पुलिस को देखकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी अपने आत्मरक्षा बचाव में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी जो मौके पर घायल होकर गिर गया। जिस बदमाश को गोली लगी पैर में, उसका नाम सलीम सनौफ अब्दुल मजीद निवासी जगतपुर थाना रोनया जनपद अयोध्या है। उसके कब्जे से मौके पर अवैध तमंचा व जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है। अभियुक्त सलीम पहले से ही गौकशी के मामले में बांधी चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। अब अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी गौवंशों को मुक्त कर दिया, साथ ही SP गोंडा ने पुलिस को 25,000 इनाम देने की घोषणा भी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।